वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के, बिना ब्रेक वाला वीडियो बोले सबसे हार्ड। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप, देख बिना ब्रेक। फेस्टिव सीजन में ई कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने ग्राहकों को जमकर डिस्काउंट दिया है, लेकिन अब सरकार दोनों कंपनियों के जरिए दिए गए भारी भरकम डिस्काउंट की जांच करेगी कि उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई के नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया। केंद्र सरकार ने ऑफलाइन कारोबार करने वाले 13 करोड़ कारोबारियों को बड़े ऑनलाइन डिस्काउंट से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए फरवरी में एफडीआई के नियमों में बदलाव किया था। नियमों में बदलाव की वजह से ई कॉमर्स कंपनियों को अपने बिजनेस स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ा था। सरकार के इस कदम की अमेरिका ने कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। लेकिन अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट की माने तो उनका कहना है कि उन्होंने नियमों का पालन किया है, जबकि स्थानीय कारोबारी संगठनों ने कहा है कि फेस्टिव सीजन को लेकर चल रही ऑनलाइन सेल में भारी भरकम डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और किसी किसी मामले में ये 50% से भी ज्यादा है। सूत्रों की माने तो फ्लिपकार्ट के जरिए सेलर्स को भेजे गए ईमेल और ट्रेनिंग मटेरियल में उनसे डिस्काउंट पर सामान बेचने वाले सेलर्स से मिलने वाले सेल्स कमीशन को कम करने की पेशकश की है। ऐसा माना जा रहा है कि फेस्टिव सीजन की सेल शुरू होने से पहले सितंबर में फ्लिपकार्ट की तरफ से ई कॉमर्स कंपनियों को 2 ईमेल मिले थे, जिसमें डिस्काउंट के बदले कमीशन कम करने की बात कही गई थी। एक ईमेल के मुताबिक कंपनी ने कहा था कि अगर सेलर्स प्रोडक्ट की कीमत को 15% तक कम करता है तो कंपनी कमीशन में 3% की कटौती करेगी, और अगर कीमत को 30% तक कम किया जाता है तो कमीशन में 9% की कमी की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि 70 लाख ऑफलाइन रिटेलर्स का प्रतिनिधि करने वाले संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने ऑनलाइन कंपनियों के खिलाफ शिकायतें की हैं और उनके खिलाफ सबूत भी दिए हैं। CAIT ने आरोप लगाया है कि ई कॉमर्स कंपनियां FDI के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जबकि मामले पर चर्चा करने के लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट के अधिकारियों को पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों से मिलने के लिए बुलाया गया था। फ्लिपकार्ट ने एक बयान जारी कर कहा है कि अधिकारियों के साथ उनकी बैठक अच्छी रही और वो भारत में कानूनी तरीके से कारोबार करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। वहीं अमेजोन ने कहा कि अधिकारियों के साथ उनकी बैठक खुली और पारदर्शी रही और वो नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अगर बात करें ऑफलाइन बिजनेस की तो CAIT के महासचिव ने कहा कि ग्राहक खरीदारी के लिए ई कॉमर्स का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इस महीने ऑफलाइन बिजनेस में 30-40% की गिरावट आई है। अब देखना ये होगा कि सरकार दोनों ही कंपनियों को लेकर क्या कदम उठाती है।